यूनाइटेड एयरलाइंस के प्लेन से एशियाई मूल के डॉक्टर को जबरन घसीटकर उतारने के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी की काफी किरकिरी हो रही है, जिसके बाद कंपनी के सीईओ ने माफी मांगी। हालांकि पहले भेजे गए ईमेल में माफी नहीं मांगी गई थी और कहा गया था कि डॉक्टर ने सुरक्षा बलों की बात नहीं मानी थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मामले की जांच के आदेश पहले ही दे चुका है। इराकी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा रसूल का कहना है कि आईएसआईएस अब हार चुका है। इराक के 40% इलाके पर कब्जा करने वाले आईएसआईएस के पास अब सिर्फ 6.8% इलाका ही बचा है। आईएसआईएस के कब्जे में अभी भी कुएम, तलफार, हबीजा और रक्का शहर है। सोशल मीडिया पर सीरिया में विद्रोही के कब्जे वाले अल-अतामिना में बमबारी का वीडियो डाला गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सीरियाई सरकार ने बैरल बमों का इस्तेमाल किया। सरकार ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि सेना बैरल, ड्रम या सिलेंडर बम का इस्तेमाल नहीं करती है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन अपने पहले रूसी दौरे पर मॉस्को पहुंचे। दोनों देशों के बीच सीरिया और कई दूसरे मुद्दों को लेकर चल रहे तनाव को देखते हुए इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता शॉन स्पीसर ने बड़ा बयान देते हुए सीरिया के राष्ट्रपति असद की हिटलर से तुलना की। स्पीसर ने कहा कि हिटलर ने भी लोगों को मारने के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि बाद में बयान पर सफाई देते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर नॉर्थ कोरिया को धमकी दी है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि नॉर्थ कोरिया के इरादे खतरनाक हैं और अगर चीन मदद करेगा तो ठीक, नहीं तो हम खुद निपटेंगे। ट्रंप का ये ट्वीट दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के बाद आया है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमा के पास अमेरिकी जंगी जहाज भेजने के फैसले को गलत बताया है। साथ ही वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो नॉर्थ कोरिया इसके लिए तैयार है। सीरिया हमले के बाद अमेरिका ने अपना जहाज कोरिया की सीमा के पास भेजा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीफ एग्जीक्यूटिव के ग्रुप के साथ मीटिंग में कहा कि वो वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म लॉ में कई बदलाव करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि वो टैक्स कम करने वाले हैं और बेकार रेगुलेशंस को हटाने वाले हैं। ट्रंप 2008 के बाद बनाए गए बैंकिंग नियमों की जांच के आदेश पहले ही दे चुके हैं। न्यूयॉर्क में फ्री पब्लिक कॉलेज ट्यूशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत कम आय वाले गरीब परिवारों के बच्चों की कॉलेज ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। इस योजना से 9,40,000 परिवारों को फायदा होगा। चुनाव के समय महंगी फीस एक बड़ा मुद्दा था। जर्मनी में चैंपियंस लीग मैच खेलने जा रही बोरसिया डॉर्टमुंड फुटबॉल टीम की बस में धमाका हुआ है। धमाके में खिलाड़ी मार्क बार्टा घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। खबर के मुताबिक अग्निशमन दल भी मौके पर है और स्टेडियम को कोई खतरा नहीं है।